स्टार्ट करो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरस्वती नायक है। मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ व्हाई पीपल क्विट नेटवर्क मार्केटिंग। लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ जाते हैं और उसकी फाइव मेन रीजंस। तो हम पहले रीजंस जानने से पहले हम पहले नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उसकी मीनिंग जानते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करते हैं जिस नेटवर्क का हर डिस्ट्रीब्यूटर या मेंबर एक इंडिपेंडेंट सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव होता है। इस नेटवर्क में जुड़ने वाले लोगों को प्रोडक्ट सेल करना रहता है और उस प्रोडक्ट सेल करने पर उनको एक फिक्स कमीशन मिलता है। उन्हें एक फिक्स कमीशन मिलता है जब वो कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या उनके द्वारा जुड़ा हुआ कोई भी मेंबर वो प्रोडक्ट सेल करता है तो उन सभी को एक फिक्स इनकम एक फिक्स कमीशन मिलता है। तो उनको उन सभी को आईबीओ कहा जाता है, जिसका मतलब है इंडिपेंडेंस बिजनेस ओनर। क्योंकि वो अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करते हैं, उनकी प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी नाम है, जैसे सेलुलर मार्केटिंग, एथलेटिक मार्केटिंग, ऐसे ही बहुत कुछ है। फिर अब चलो हम बात करते हैं, हम तो जान लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अब हम बात करते हैं कि क्या मेन रीजन, पांच रीजन क्या है जिसलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ जाते हैं। फर्स्ट रीजन है नॉट गिविंग ट्रेनिंग टू योर पर्सन। जब भी न्यू लोग हमें ज्वाइन करते हैं, शुरुआत में उन्हें अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती है, इसलिए वो हमें छोड़ जाते हैं। क्योंकि उन्हें उस बिजनेस के अंदर कुछ भी पोटेंशियल या कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिलती है, जिसलिए उस बिजनेस के अंदर वो अपनी फ्यूचर या अपनी स्कोप को नहीं देख पाते हैं, इसलिए वो उस बिजनेस को छोड़ जाते हैं। और न्यू ज्वाइन लोगों को कुछ दिन या कुछ महीने तक उन्हें प्रेजेंटेशन देना नहीं आता है, जिसलिए वो उस कंपनी की कुछ बेसिक नहीं पता होता है, फॉलो अप कैसे करना है, न्यू लोगों को कैसे अप्रोच करना है, न्यू लीड्स को कैसे जेनरेट करना है। जब तक कोई भी न्यू लोगों को अपना प्लान शो करना नहीं आता है, वो लोग किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ कंफर्टेबल बात नहीं कर पाते हैं, तो तब उसे लगता है ये बिजनेस उनकी बस की नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं, तो मजबूर होते हैं बिजनेस छोड़ देने के लिए। इसलिए हमें कोई भी न्यू लोग ज्वाइन करे तो हमें उसको शुरुआत में अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, नॉट फॉलोइंग प्रॉपर सिस्टम। इस बिजनेस को बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, उनकी पास्ट एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ या कोई कहां से फेल होता है या कोई कुछ भी नहीं कर रहा होता है, तो उन लोगों को तो वो सोचते हैं ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, तो अपने हिसाब से ये न्यू आइडियाज लगा के बिजनेस और न्यू आइडियाज लगा के वो बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण वो इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। तो फिर उन्हें लगता है कि ये बिजनेस उनकी बस की नहीं है। तो कोई भी आपको ज्वाइन कर रहा है तो उन्हें इमिडिएटली सिस्टम फॉलो करना सिखाने चाहिए, जो अपनी बिजनेस की मॉडल है उसे सडनली उसे फॉलो करानी चाहिए। क्योंकि जो भी हमें ज्वाइन कर रहा है तो उसे हम सडनली बतानी चाहिए कि हमारी हमारी टीम में कौन सी सिस्टम फॉलो करना चाहिए या कैसे काम करना चाहिए। इसे हम ज्वाइनिंग के बाद ही उसे सब अच्छे से समझना चाहिए। थर्ड पार्ट, डू नॉट फॉलो देयर अपलाइंस।
ना बहुत सारे लोग अपने अपलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें बहुत जल्दी ऐसा फील होने लग जाता है कि उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें जो जो उनके अपलाइंस के तरफ से गाइडलाइंस मिलती है कि ऐसा करना चाहिए कि ऐसे करो, वो सब कुछ फॉलो नहीं करते, आप करना स्टार्ट कर देते हैं जिस कारण उन्हें लास्ट में रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए कोई भी हमें ज्वाइन रहा है या हम किसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें पहले हमारी अपलाइंस की बात सुननी चाहिए कि वो गाइडेंस दे रहे हैं कि किस टाइप से हमें काम करना चाहिए। लास्ट पार्ट फोर पॉइंट, व्हाई पीपुल लीव नेटवर्क मार्केटिंग। जो लोग की मीटिंग सेमिनार्स अटेंड नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब लोगों से मिलते हैं, नेगेटिव बात सुनते हैं, तब वो धीरे धीरे डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग है जिनमें लोगों के माइंड में नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे हैं। तब हम किसी के साथ बात करते हैं तो इस मार्केटिंग की नेटवर्क मार्केटिंग बात सुनते ही वो हमें बहुत सारे नेगेटिव बातें सुनाने लग जाते हैं। इसलिए हमें हमारी टीम की जो मीटिंग्स है, सेमिनार है, उसे हमेशा अटेंड करना चाहिए और हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। लास्ट नॉट द लिस्ट, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव मेंटालिटी। ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बिजनेस ज्वाइन तो कर लेते हैं पर उनके माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलती रहती है कि वो जो बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो कंपनी अच्छा नहीं है, वो जो अपलाइंस को ज्वाइन किए वो अपलाइनर अच्छा नहीं है या वो अपलाइनर उनकी सपोर्टिव नहीं है। पर वो ये नहीं समझते हैं कि उनके पास जो है वो बेस्ट है, उनकी कंपनी अच्छी है, उनके अपलाइनर सपोर्टिव है, उनकी प्रोडक्ट अच्छे हैं। पर वो ये सब नहीं सोच के अपने अंदर हमेशा नेगेटिव थॉट्स को रन करते रहते हैं। इस रीजन के कारण वो इस बिजनेस को आगे नहीं कर पाते हैं, इस बीच में ही छोड़ जाते हैं। तो हम जब भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें तो ये मेन 5 रीजन्स को हमें याद करनी चाहिए, हमें ये सब फॉलो करनी चाहिए, हमें हमारी अपलाइनर्स को फॉलो करनी चाहिए, हमें हमेशा कि हम जिस कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं या जिस टीम में हैं उस टीम को हम हमेशा अच्छे या बेस्ट हमारे मन में इस टीम को लेके, हमारी कंपनी को लेके, हमारी प्रोडक्ट को लेके हमेशा हमें खुद को पॉजिटिव होना चाहिए। हम जब भी नेगेटिव हो जाएंगे तो हम कभी भी कोई भी बिजनेस हो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा हमारी अप्लायंस की बात सुननी चाहिए। थैंक यू।